मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले से दूसरी बार हिंदू पक्षकार को झटका लगा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन के अमीन सर्वे पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जहां एडीजे सिस्टम की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट इसे सुनने योग्य ही नहीं माना। कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ईदगाह के सर्वे की मांग की गई थी, जबकि ईदगाह पक्ष केस सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर बहस चाहता था, जहां ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने के लिए याचिका डाली थी। एडीजे सिस्टम की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। इसके बाद पक्षकार की तरफ से ईदगाह पर अमीन सर्वे के संबंध में सुनवाई करने की मांग को खारिज कर दिया। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन में केस चलने योग्य है या नहीं इस पर बहस होगी। पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनका रिवीजन प्रार्थना पत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी अदालत इसे खारिज कर चुके थे। इस पर पक्षकार ने रिवीजन वाद दाखिल किया था। सबसे पहले तो मैं स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दूं कि केस रिजेक्ट नहीं हुआ है, केस लोअर कोर्ट में चलेगा। हमने जो रिवीजन दाखिल किया था, रिवीजन हमारा ये कहना था कि कोर्ट कमीशन वहां भेजा जाए। इसी को लेकर के लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में हम एडीजे कोर्ट में गए थे और वहां हमने सभी विषयों को रखा, सभी पक्षों को रखा। वहां बहस हुई प्रॉपर तरीके से और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी दाखिल की। लेकिन वहां माननीय न्यायालय के द्वारा, जैसे न्यायालय को उचित लगा, उन्होंने हमारे रिवीजन को निरस्त किया है। रिवीजन को निरस्त किया है, केस को निरस्त नहीं किया है। केस वहां चला, रिवीजन निरस्त होकर हो गया है और वहां पर 7 Rule 11 की सुनवाई लोअर कोर्ट में होगी, जिसमें कि हम अपना पक्ष रखेंगे। और अभी इसमें एक विकल्प हाई कोर्ट का भी खुला है कि अभी हम माननीय न्यायालय के आदेश का अध्ययन करेंगे और हमको अगर उपयुक्त लगा तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, और अगर ऐसा लगा कि लोअर कोर्ट में सुनवाई की आवश्यकता तो लोअर कोर्ट में देखेंगे। अभी इसमें विकल्प दोनों खुले हैं, अभी हम अध्ययन कर रहे हैं उसका निर्णय का। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिस तरह से, क्योंकि रिवीजन सिर्फ हम लोग चाहते थे कि कोर्ट कमीशन जाना चाहिए। अभी उस आदेश को माननीय न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया है और ये अभी माननीय न्यायालय के द्वारा लोअर कोर्ट को पत्रावली भेजी जा रही है और इसमें विशेष रूप से 7 Rule 11 की सुनवाई होगी। तो कोई बात नहीं, न्याय 7 Rule 11 पर बहस करेंगे माननीय न्यायालय के सामने। और माननीय रिवीजन कोर्ट ने EDA 6 साहब ने तमाम लंबे रूप से इसमें बहस सुनने के पश्चात और हमारी रूलिंगों को देखने के पश्चात आज ये बहुत ही अच्छा फैसला दिया है और उन्होंने उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और सुनवाई के लिए पुनः उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में भेज दिया है और उस पर 7 Rule 11 CPC पर ही, जैसे हम लोग मांग कर रहे थे, उस पर ही इस पर बहस।